चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर चेक कर गबरू दी बोली चेक कर चेक कर। हे चीतोस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और हाँ भाई सही गैस कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही गैस कर रहे हो। मैं शिमला आ गया। एग्जाम खत्म होते ही सबसे पहले काम मैंने क्या करा, मैंने कहा शिमला चलो। ये फॉग नहीं है, ये वो है बर्फ। बर्फ बर्फ हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इतनी ठंड है भाई, कैसे होगी पढ़ाई, कैसे होगी पढ़ाई, कैसे एग्जाम देने जाया जाएगा इतनी दूर भाई। कोहरा देख के पढ़ने का मन ना करे, इतनी ठंड हो रही है। आज लास्ट एग्ज़ाम है तो हमने सोचा क्यों ना लास्ट एग्ज़ाम को अपने कैमरे में कैद करा जाए और व्लॉग बनाया जाए, अपने चीतोस को व्लॉग दिखाया जाए। ना रेडी होकर निकल गए और चलते हैं भाई कॉलेज। फिलहाल टाइम हो रहा भाई 5:46। तो भाई सुबह एग्ज़ाम देने गए, फिर उसके बाद घर गया मैं। घर जाके खाना खा के फिर बाल कटा के फिर इसके पाई से उठा के इन्हें कपड़े पहने, मैं घर आया, मैंने कपड़े चेंज करे। तो फिलहाल भाई आ गए अपना बस में बैठ गए, अब जा रहे हैं भाई नोएडा। कल को अपना शूट है, आज नोएडा चलते हैं, वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। मुझे डरा भाई, अब क्या है, अब क्या है भाई, कमेंट करवा दियो। अभी तक तो बड़ी नोई बुरी। फिलहाल भाई अपना ये दाल दूल खा के अपना चलते हैं भाई। तुम्हें ठंड लग रही है ना तो तुम गलत हो, क्योंकि भाई अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठंड का मौसम नहीं है। क्योंकि भाई एक आदमी है यहाँ बस में बैठा भाई, सब तो अपना ऊपर ही हो गर्म वाला हीटर चलाए पड़े हैं, एक आदमी पंखा चला रखा सबसे अलग बैठा। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, यो पंखा बंद है, वो जो आदमी बैठा ना वो पंखा चल रहा, देखो भाई भाई को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, भाई ने पंखा चला रखा, देख लो भाई भाई को कितनी गर्मी लग रही है। तो फिलहाल गाइस अभी जर्नी जरा हमारी रुक गई है थोड़ी सी, अभी हम रुके हैं फिलहाल शिवा ढाबे पे। मैं तो मेरा यार की चाय था, चाय चाय दी है भाई, ठंड हो रही है बहुत बिगट। बस में तो अंदर तो ना लग रही, हीटर चल रहा, बाहर निकलते ऐसा लग रहा भाई जिन्हें कहाँ हो गए, बहुत बिगट ठंड। चाय की एक सिप लेते हैं उसके बाद भाई चलते हैं डायरेक्ट नोएडा और दिखाते हैं आपको सब कुछ कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम रहेगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस जर्नी में। तो अपनी चाय पी ली है और भाई सब काम कर लेंगे, लेकिन कभी इस पे बीच में खड़े होकर साइडों से वीडियो नहीं बनवाएंगे। फिलहाल पहुंच गए हैं भाई नोएडा, अब अपने सर अपनों को लेने आ रहे हैं मास्टर साहब। सवाल आओ आवे मास्टर साहब, बड़ी तेज आए भाई नोएडा एनसीआर में, या सनी देओल का ट्रक आ गया भाई। साक्षात सनी देओल बैठा है इस ट्रक पे, वही चला रहा है, वही कह रहा भाई एक फोटो ले लो प्लीज भाई हमारे साथ। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, फोटो वोटो नहीं चलेगा। फिलहाल अपने सर के फ्लैट पे आ गए भाई, अब ठंड हो रही तो पहले चाय बन रही है भाई, चाय बनाते हैं भाई। मैंने क्रेडिट ले लिया। मैं भी वही कह रहा हूं बनाई, मैंने क्रेडिट दोनों ने ले लिया, पूरा एक अदरक डाल दिया हमसे कुटी ना तो इतना बड़ा अदरक का पीस हम पूरे डाल दे इस लोगों को भाई। ये रूम का हमारा फर्स्ट वो है, यहाँ पे हम अपने आप को तैयार होने के बाद देते हैं। चल चल इसे यहाँ रख दे भाई, यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है। ये हमारा बेड है और ये सर को गिफ्ट मिला हुआ है, हैप्पी बर्थडे सर। सर यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो ये सर की थोड़ी बुक्स रखी हुई हैं और ये सर की थोड़ी सी सामग्री है। सर इसमें 2-2 रुपए डाल देते हैं, जिस दिन ये पूरा घड़ा भर जाएगा उस दिन टूट जाएगा। अच्छा केदारनाथ लिखा है, केदारनाथ जाना है सर का ड्रीम है, सर ड्रीम इस साल पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैथ लवर और ये वो लड़के होते हैं सर, टेंथ भाई सो में तो सो आए मैथ में। अरे सर का जवाब ही अलग है सर, मैं मुझे अंदर देख ले मेरे भी 96 है। हे गाइस संडे नाइट विद पीयूष एंड अर्पित एंड सुमित सर, टीचर टीचर। तो फिलहाल वी आर गोइंग टू बंगला साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि भाई रात में वहां पे अच्छा होता है, कुछ अच्छा होता है ऐसा हमारे सर ने बोला। तो हमने भाई यहाँ आते ही जय सर ने ये बोला, हम एकदम नीचे खड़ा हुआ चलो। हम लास्ट टाइम बस गोल्डन टेम्पल गए थे, उसके बाद हम गुरुद्वारा ही नहीं गए। और भाई अपने फ्यूचर के लिए प्रे करके आते हैं, अपने भाइयों के लिए प्रे करके आते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचने वाले पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ रही है भाई। तो कितने किलोमीटर रह गया मास्टर साहब? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर रह गया। तो फिलहाल भाई चलते हैं पैदल और दर्शन करके आते हैं। फाइनली पहुंच गए बंगला साहिब गुरुद्वारा, अभी चल अंदर चलते हैं शूज वगैरह उतार के। हम बंगला साहिब गुरुद्वारे में ही टहल रहे हैं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे, मजा क्या सुकून मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ब्लॉग बनाना रहता नहीं है। हाँ गोल्डन टेम्पल वाली वाइब आ रही है, मास्टर साहब बड़े जुगाड़ लगा रहे हैं कहाँ से एक फोटो निकल जाए, एक तस्वीर निकल जाए बढ़िया सी। गुरुद्वारा
गुरुद्वारे में दर्शन करके, और फिलहाल भाई अपनी चाय पी रहे हैं। सूट कर रहा है तुम, मैं तो किसी ना सूट भी ना कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? देखिए पूरा पंजाबी मुंडा तो मैं ही लग रहा हूँ। मुझे मुस्टैच वस्टैच देखिए, बिल्कुल गबरू मुंडा देसी जवान। ये पूरा लंगर का जगह, अपनी वी आई पी जगह, साफ सफाई बहुत रहती है भाई, मजाक से हटके। फिलहाल अपना निकल गए बंगला साहिब यहाँ से, अब चलते हैं भाई अपने फ्लैग पे। पिंड वालों ची विचरन दिया, पिंडा विचरन दिया, देसी चिल्ले उड़ाने दिल्ली विचरन दिया भाई। ठंडा विच रहने हैं और चाय पींदे रहने हैं। ओ पाजी स्नैप खींच ले भाई, स्नैप तैयार होगी भाई। पाजी सर पाजी हटा लो पीछे, रुको 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 रुको, सर की स्नैप तैयार होगी भाई। इधर कहाँ जाने हैं, जंगल में अब मेरी जान चली भाई। दूर दूर तक कोई ना सड़कों पे, हम ही पैदल घूम रहे हैं। चलती रहो तुम तो बड़ी भाई। यहाँ से अपने चाय ले रही है, हत्ता भी चाय चक्की रहने या लीटर चाय दी, आधा लीटर चाय, हत्ता भी चाय रहने या चाय कुड़िया कोड़ो अस्सी बड़ी दूर रहने या यारा बिल्ली नाल बिल्ले चाय पींदे या अनसब्सक्राइब ना कर दे मैं यार ये मेरा चैनल गाने गावे गाने बेकार हो कर दे मैं। गाइस वो तो शोरूम बंद निकला ना, मजाक से हटके आज गाड़ी लेके जाते हम, आज डिलीवरी लेके जाते, वो तो जरा शोरूम बंद निकला। यो फिर कभी आएंगे ना, आज डिलीवरी लेके जाते भाई, गाड़ी लेके जाते बिजनेस मैन लोग इतनी देर रुकेंगे इसके गाड़ी के लिए, और अब मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में चले जाएंगे भाई, खुले ये तो खड़ी तो हैं, ये तो ब्रीज आया ब्रीजा नहीं दिखानी, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ही दिखानी। पोर्शे अगर खुले होता तो आज डिलीवरी ले लेते, अभी लेते नहीं मास्टर साहब। बिल्कुल लेनी थी, तुमने तो बुक नहीं कर रखी, तुमने डोमिनोज पे बुक कर दी, और डोमिनोज पे पोर्शे बुक कर दी तुमने, डोमिनोज में कर दी। लेट्स गो बाय। तो भाई अभी हमारे तीनों के फोटो खींचने की जरूरत पड़ रही, तो हमने अपने भैया से खिंचवाए, वो खुद तगड़े फोटो खींचे या वो चले गए, मैंने क्या ब्लॉग में लेंगे, उन्होंने अपना सामान उठाया निकल गए, तो ये फोटो बहुत तगड़े खिंचवाए, मजा आ गया। ए वन ए वन। तो भैया दिल्ली में आके सी पी ले, दोनों भाई आ रहे हैं यहाँ पे, आके कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज करनी होती है, पता है क्या? शेर वो चीता ही कह रहे हमारा कॉन्सर्ट था लाइव, वो कंप्लीट हो गया। ऑडियंस बहुत अच्छी बात, ऑडियंस की साइड को नजारा कर दो, ओए ले भैया कुछ है ये, वैसे जनपद मार्केट है भैया। और भाई जय श्री राम, भैया जी आ गए हैं और अब चलते भाई अपना रूम पे। फिलहाल भाई अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, ये अपने दोनों भाई बैठे हो। अपने भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, तुम्हें हमसे मिलकर कैसा लगा? बढ़िया भैया, भाई बहुत हसमुख हैं भाई, हमेशा हंसते हुए आए हैं। इन्होंने हेल्प भी तो करी है हमारी, अरे भाई ने बहुत तगड़ी हेल्प करी है हमारी, मजा आ गया भाई। किचन में आ गए, अपना खाना गर्म करते हैं, खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे भाई। फिलहाल भाई अपने शांति पूर्वक अपना खाना गर्म करके लिए आए हैं, खाते हैं भाई। So guys, फिलहाल भाई खाना वाना खा के ऑल सेट, अपना है भाई कल को फोटो शूट, मतलब प्रोडक्शन हाउस है उसमें अपना फोटो शूट है, जो अमेज़न पे मॉडल वगैरह होते हैं ना उसी का फोटो शूट है, बाकी अगले व्लॉग में देखियो कैसे कैसे क्या सिस्टम है। तो फिलहाल भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय और बोलो बाय, टेक केयर। तो लाइट बंद कर दो, कैंडल्स बंद करो, मैं फूंक मारूंगा। ओके भाई, 1 2 3 अरे मेरी जान, बाय गाइस। मित्रां दी बिल्लो सरदारी चेक कर, मैं कह मित्रां दी बिल्लो सरदारी चेक कर, मैं कह मित्रां दी बिल्लो।